65% लोग फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये एक अमेरिका की एजेंसी ने सर्वे किया, उसका रिजल्ट है। अब क्वेश्चन ये कि अगर आपको कामयाब होना है एज फाइनेंशियल एडवाइजर या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, और लोग अगर आप ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 65% लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे उन लोगों के ऊपर जिनका मार्केट में कोई कंटेंट नहीं है। तो अगर आप ये सीख जाते हैं कैसे कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं, तो आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं, जो कि है लैक ऑफ ट्रस्ट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर और इंश्योरेंस एडवाइजर। तो इस वीडियो में डीप बताऊंगा आपको कि कैसे आप 7 स्टेप कैसे आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने एक भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया, अभी तक आपने एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, तो भी आप कैसे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको डीप लेकर चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हिंदी में पूरा कंटेंट है, आप इसको आप समझ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यूट्यूब में जुड़े हुए हैं या जहां भी मुझे आप देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, गिव मी थम्स अप, ताकि मैं जब अगली बार वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आई होप गाइस यू आर गेटिंग रियली ऑसम वैल्यू, प्लीज टाइप करना ना भूलना अगर आपको रियली वैल्यू मिले तो। लेट मी शेयर द माइंड मैप सो दैट आई कैन स्टार्ट टू द पॉइंट। ओके, सो 7 टिप्स टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मींस आपको कंटेंट क्यों क्रिएट करना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या, उसका महत्वपूर्ण, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई यू शुड क्रिएट कंटेंट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था जो ट्यूजडे मैंने अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद या ये वीडियो रोक दीजिए और जाओ और वॉच पहला वाला वीडियो देख लेना, जहां मैंने बात करी थी कि कंटेंट क्यों क्रिएट करना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो देखा है तो आपको ये समझ में आएगा। सेकंड स्टेप, लेट्स टॉक अबाउट द माइंडसेट। एवरीथिंग स्टार्ट विद द माइंडसेट। अब कंटेंट क्रिएशन का जो पॉइंट है, आपको थोड़ा सा माइंड को अपने ओपन करना पड़ेगा। देखिए, ये कोई एक क्विक कैश मशीन नहीं है कि आपने सिक्का डाला और टोकन बाहर आ जाएगा। ये कोई चट मंगनी पट भी वाला काम नहीं है कि जैसे हंटिंग माइंडसेट से हम लोग काम करते हैं, गए हंट किया, सेल्स करी और पैसा कमाया। इस मॉडल पे ये इंडस्ट्री चलती है, खासकर इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री। बट ये कंटेंट क्रिएशन थोड़ा डिफरेंट है। कंटेंट क्रिएशन मतलब है फार्मिंग, आप बीज बो रहे हैं, आप सीडिंग कर रहे हैं, आप वैल्यू एड कर रहे हैं मार्केट प्लेस में। और जब आप बीज बोते हैं तो पेड़ निकलता है, उसको आपको खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा, उसको बचा के रखना पड़ेगा जानवरों से, तब कहीं जाकर पेड़ बनेगा और आपको फल लगेगा। लेकिन जब फल लगेंगे तो बहुत सारे आएंगे, राइट। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है वो ऐसे ही है, ये खेती करने वाला एग्जांपल है। आप फार्मिंग कर रहे हो, आप वैल्यू दे रहे हो अपने मार्केट में, अपने कस्टमर में, और जो लोग राइट होंगे, जिसको वाकई में आपसे वैल्यू मिलेगी, वो आपके कस्टमर बनेंगे और ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे बिजनेस में हो रहा है, जो लोग मेरे सिस्टम में जुड़े उनके साथ में हो रहा है, आप करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू। सो दिस इज द माइंडसेट। ओके, इट्स नॉट क्विक फिक्स चट मंगनी पट भैया, इट्स ऑल अबाउट गिविंग वैल्यू टू द पीपल, इट्स ऑल अबाउट सीडिंग एंड सीडिंग फार्मिंग एंड नर्चरिंग केयरिंग टू द पीपल, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द पीपल, बिल्डिंग द जेन्यून लॉन्ग टर्म। कि आपके पास भी अगर एक पर्सन आए तो वो आपको अथेंटिसिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी को देखते हुए वो आपसे लाइफ टाइम बिजनेस करें। कहते ना एक कहावत है, वो आपसे मिले और आपने कुछ ऐसा किया कि वो आपकी होके रह गए। तो ये कहावत केवल प्यार में काम नहीं होती है, अलग जैसे हमारे फिल्मों में दिखाया था लड़का लड़की को आपस में हो गया, प्यार हो गया, शादी हो गई ना, बट ये यहाँ भी अप्लाई होता है कि किसी ने आपको देखा और आपकी जो ऑनेस्टी थी, जो ऑथेंटिसिटी थी, जिस तरीके से आप वैल्यू दे रहे थे, उनको लगा कि आप केवल इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, बट आप कुछ डीप बात कर रहे हो और आपका इंटेंशन वाकई बहुत अच्छा है, तो मजबूरी में आपके हो गए मतलब आपके कस्टमर बन गए। इसको किसी और तरीके से मत लेना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि इंटेंशन क्या होना चाहिए, आपकी सफलता किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी। योर इंटेंशन विल डिसाइड योर सक्सेस। फिर बोल रहा हूँ, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में आप कितने जल्दी कामयाब होंगे और कितने लोग आपसे जुड़ेंगे। सो इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या कंटेंट मार्केट में क्रिएट कर रहे हो, नो, दैट्स नॉट द रियलिटी। यस, कंटेंट आप क्रिएट करेंगे जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट क्या कंटेंट क्रिएट करते हैं वो 10% है। जो 90% है वो है आपका इंटेंशन, किस इंटेंशन से आप कंटेंट क्रिएट करते हो। आप वाकई दे रहे हो, यू आर रियली सर्विंग पीपल, या फिर हाँ बस चलो कोई तो आए। इस माइंडसेट, अगर स्केसिटी माइंडसेट जाओगे जो हंटिंग माइंडसेट है, तो फिर काम नहीं करेगा।
गिव द अबंडेंस माइंडसेट कि यस मैं कुछ वैल्यूएबल चीज क्रिएट कर रहा हूं, जो भी पर्सन उसको देखेगा या सुनेगा उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर होगा। इस इंटेंशन से कंटेंट क्रिएट करेंगे तो मैं यकीन मानिए चाहे उसको 10 लोग देखें, बट जो 10 लोग देखेंगे वो आपकी डीप समझेंगे, आपसे कनेक्शन होगा और आपके कस्टमर बनेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, हो रहा है और भी होता रहेगा। अगर आप इसको समझ करेंगे तो आपके साथ होगा। मजे की बात है इसमें पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो पहले मैंने बोला कॉन्सेप्ट के लिए मेरा पहला जाके देखिए वीडियो, माइंडसेट मैंने क्लियर कर दिया कि चट मंगनी पट्टी पे वाला काम नहीं है, ठीक है। पेशेंस रख के काम करना होगा, वैल्यू एड करनी होगी और इंटेंशन सही होना चाहिए। आप प्योर इंटेंशन से काम करना है ना। मैं आपको 7 तरीके बता रहा हूँ कैसे आप शुरू करेंगे कॉन्टेंट क्रिएट करना। ले लीजिए पेपर, ले लीजिए और ध्यान से इधर उधर मत भागिए, सुनिए समझिए और नोट कर लीजिए और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको एक्शन स्टेप कि आपको इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ओके। तो कंप्लीट पैकेज है, यस वीडियो में आपको ऑफर कर रहा हूँ, कोई इसके पैसे नहीं लग रहे हैं, बट रियली अगर आप मार्केट में जाकर कोर्स खरीदेंगे इस तरह का तो भी शायद आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ पे फ्री में इस वीडियो मिल रही है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप मुझे सुन रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, अपने दिमाग की बत्ती को जला लीजिए, अपने दिमाग का ढक्कन खोल दीजिए। जब पैरासूट जब ही काम करेगा, जब खुला होगा ऐसे ही माइंड भी जब तक बंद रहेगा तब तक उसमें कोई नई बात जाएगी नहीं। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, दिमाग को ओपन कर दीजिए, पुराने ख्यालों से हटके नया सोचिए। जो बता रहा हूं कि एक्चुअली में माइंड में कोई भी पुरानी बातें हैं उनको रोकिए, इसको सुनिए। दुनिया जहां कहां रही है, थिंक अबाउट वर्ल्ड किधर जा रहा है। एक सर्वे पाया गया कि 86% लोग उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, जिसको वो लोग ऑनलाइन या उनका कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं या उनसे किसी तरह के सर्विस ले चुके होते हैं। थिंक अबाउट इट। और आपको ये पता होना चाहिए कंटेंट क्रिएट करके बेस्ट तरीका है लोगों को कस्टमर बनाने का, जेन्युइन तरीके से। ये स्ट्रेटजी, ये मार्केट के आंकड़े हैं कि माइंड आपको ओपन होना चाहिए कि यार ये वर्ल्ड जा कहां रहा है। और खासकर पिछले 4 सालों में जो ग्रोथ आई है इस कंटेंट क्रिएशन में और डिजिटल वर्ल्ड में, रियली पावरफुल। सो कीप योर माइंड ओपन, ओके, डोंट अलाउ योर पुराना कि नहीं यार बस वही, स्टे हियर। सो कीप योर माइंड ओपन वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। अपने दिमाग को खुला करो, ओपन करो, छोड़ दो पुरानी बेड़िया, ओके। सेकंड पॉइंट, आपको एक अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं डिजिटल तरीके की बात करूं, देखो एक तो ओल्ड तरीके से हम चले हुए चले, अगर आपको डिजिटल तरीके से कस्टमर अक्वायर करना है, डिजिटल तरीके से कस्टमर अपनी तरफ लाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको एक स्पेसिफिक मार्केट को फोकस करना पड़ेगा। क्या बात करते हो रवि, मैं तो सबको फोकस करूंगा, बहुत लोग आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जितना आप डीप जाओगे एक मार्केट में उतने ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे स्पेशलिटी के और उतने ज्यादा कस्टमर आपके पास चल के आएंगे, यकीन मानिए। जस्ट डू इट। डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपको डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, एक मार्केट पकड़ लीजिए, दैट मार्केट हैज ह्यूज पोटेंशियल, राइट। फिजिकल वाले में ओल्ड तरीके में क्या होता है कि जो मिल जाए वही कस्टमर है, सारे आपके कस्टमर है, वो वहां चलता होगा, वहां पे लोग स्ट्रगल करते हैं इस फिलोसफी के लिए। बट यहाँ पे यू हैव टू बिकम सुपर स्पेशलिस्ट, यू बिकम ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दैट्स इट। तो यू कैन चूज, अगर आप कॉर्पोरेट को सर्व करना चाहते हैं तो यू कैन चूज आईटी प्रोफेशनल, अगर आप गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं तो यू कैन चूज गवर्नमेंट पीपल, राइट। और अगर आप रिलेटिव हैं तो यू कैन चूज कि मुझे फीमेल्स को सर्व करना है जो 35 साल से लेकर 50 साल की वर्किंग प्रोफेशनल है, उसने भी कौन से सेक्टर में काम करती है, राइट। यू कैन फाइंड अ मेडिकल इंडस्ट्री, कोई भी एक स्पेसिफिक निश बना ले। निश का मतलब होता है किस इंडस्ट्री को आप फोकस करना चाहते हैं, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, बिल्कुल देसी भाषा में सिंपल है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, एक मार्केट पकड़ लीजिए। पहला स्टेप माइंड को ओपन किया, दूसरा स्टेप टारगेट मार्केट बना लीजिए कि इस मार्केट के लिए मुझे कॉन्टेंट क्रिएट करना है और इस मार्केट में मुझे सर्व करना है, करेक्ट। तीसरा पॉइंट, एग्जांपल देता हूँ, इसीलिए निश मार्केट की स्ट्रेटजी को लेकर एग्जांपल ले रहा हूँ। वीजा और मास्टर दोनों पेमेंट गेटवे हैं, सबसे ज्यादा कस्टमर वीजा और मास्टर के हैं। 27 कस्टमर अगर वीजा और मास्टर के, तो एक कस्टमर अमेरिकन एक्सप्रेस का है कार्ड का, और पता है रेवेन्यू किसका ज्यादा है, अमेरिकन एक्सप्रेस का। कस्टमर उनके ज्यादा है, 27 गुना कस्टमर के पास में, और रेवेन्यू किसका ज्यादा आ रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस में। यू नो व्हाई, बिकॉज़ अमेरिकन एक्सप्रेस फोकस है कि उसको प्रीमियम लोगों के साथ में ही काम करना है। इट्स नॉट अबाउट कि कितने लोग आपसे जुड़े हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप किसको सर्व कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने डीप अपने मार्केट में एक्सपर्टीज से काम करते हो, राइट। अगर आपके दिमाग में बत्ती जल गई हो तो कमेंट बॉक्स जरूर टाइप करना, माइंड ओपन, बल्ब ऑन, ओके। पॉइंट नंबर 3, जब तक आप किसी चीज को प्रायोरिटी बनाएंगे, जैसे हम लोग उठकर नाश्ता करते हैं प्रायोरिटी है, सुबह ब्रश करते हैं प्रायोरिटी है, नहाते हैं प्रायोरिटी है, शाम को खाना खाते हैं प्रायोरिटी है,
कुछ लोग ने टीवी देखना भी प्रायोरिटी है, राइट, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रायोरिटी है, आपको कुछ लोग लिए और भी बहुत सारे काम प्रायोरिटी होते हैं जो यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, मेनी फैक्टर्स, राइट, बट प्रायोरिटी जब तक नहीं बनाएंगे इस कंटेंट करने को तब तक होगा नहीं। तो एक प्रायोरिटी बना लीजिए, आधा घंटा आपको केवल कंटेंट क्रिएट करने में फोकस करना है, अब हाफ एन आवर तो टाइम सबके पास है, प्लीज डोंट से कि मेरे पास टाइम नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द टाइम, इट्स ऑल अबाउट द फोकस एंड प्रायोरिटी, दैट्स इट। या लोग पता नहीं कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट, 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे टू क्रिएट कंटेंट, कम वर्ड में, मूड अच्छा है, मूड सही है, मूड खराब है, जो मर्जी हो जाए, क्लाइंट ने कुछ बोल दिया, व्हाटएवर, 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो आपके लिए नहीं है, या आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपको कितनी अंग्रेजी आती है, आप कितने स्मार्ट दिखते हैं, आप कितने कैलिबर वाले हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब आपके लिए, बट जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं, आपकी मार्केट के लिए है। आप बहुत स्मार्ट है, आपको बहुत अंग्रेजी आती है, आप सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा पैसे वाले, सब कुछ भगवान ने सारे गुण अपने लिए, जो भगवान की 6 क्वालिटी होती है वो सारी क्वालिटी आपके अंदर थोड़ी दे रखी है, भगवान तो बोल सकते वी आर ह्यूमन बींग, मान लीजिए कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी विद्यमान है तो भी क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं आपका मार्केट हूँ, मैं आपका कस्टमर हूँ और आप बहुत स्मार्ट है, आप बहुत पैसे वाले, सब कुछ है, पर आपने जो कंटेंट क्रिएट किया मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे किसी काम भी नहीं है, तो मैं क्या, मैं चाटूंगा क्या आपकी स्मार्टनेस को, क्या करूंगा बताओ। यही लोग गलती करते हैं, लोग सुपरस्टार बनने की कोशिश करते हैं, ओवर, ये गलती मैं भी कर चुका हूँ, राइट, क्योंकि शुरुआत ऐसी होती है। तो आपका जो कंटेंट है वो आपकी मार्केट के लिए, राइट, सो इट्स नॉट की, और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, आपको कैमरा फेस करने में चाहिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप कितने स्मार्ट है और क्या नहीं आता, डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट देम, राइट, सो डू नॉट गेट इनटू कि नहीं नहीं यार मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो कंटेंट है उससे किसी का भला होना चाहिए, बस ये सब, एक बंदा भी देखेगा उसका भला होना चाहिए, दैट इज दी प्योरिटी, इसको बोलते हैं, इंटेंशन जो है वो ठीक है, जो भी इसको देखेगा उसका फायदा होगा, सो योर कंटेंट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर द पीपल, जो लोग इसको देखेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, स्टेप नंबर 5 में आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से बेस्ट कॉन्टेंट आज मार्केट में जो सबसे ज्यादा लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं, मैंने बता दिया, तो वीडियो फॉर्मेट जो है 83% लोग वीडियो वॉच करना पसंद करते हैं, वीडियो में उनकी आंखें भी इन्वॉल्व है, कान भी इन्वॉल्व है, और उनका माइंड भी इन्वॉल्व रहता है, और सुनने में पॉडकास्टिंग, इंडिया में पॉडकास्ट बहुत अच्छी तेजी से राइज कर रहा है, तो पॉडकास्टिंग भी, यानी आप सुनने वाला बना सकते हैं पॉडकास्ट, और वीडियो तो आपको बनाना ही चाहिए, आप शुरुआत वीडियो से कर सकते हैं, पॉडकास्ट आप बाद में शुरू कर सकते हैं, ओके, मेरा जो कमांडो चैलेंज सिस्टम है मैं उसको सिखाता हूँ कि कैसे ये प्रॉपर करते हैं, डोंट वरी, सो फाइंड अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, वीडियो एंड पॉडकास्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, टाइप ऑफ कंटेंट, देयर आर 2 kinds ऑफ कंटेंट, वन इज शॉर्ट कंटेंट, वन इज लॉन्ग कंटेंट, जैसे आप मुझे जो देख रहे हो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट है, इसको बोलते हैं लीन फॉरवर्ड, जो शॉर्ट कंटेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, इंस्टाग्राम 15 सेकेंड की रील, फास्ट फूड, फेसबुक, जस्ट स्क्रॉलिंग, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, उसमें कुछ खास वैल्यू नहीं आती है, मैंने देखा ठीक है चला गया, जैसे यू आर ईटिंग फास्ट फूड, राइट, फास्ट फूड खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, स्वाद नहीं आ रहा, बस खाए चले जाओ, यही होता है फास्ट फॉरवर्ड कंटेंट, इससे कुछ भला नहीं होगा, अगर आपको रियली में मार्केट में वैल्यू बनानी है, ट्रस्ट जीतना लोगों को, तो यू हैव टू कम दी बैकवर्ड कॉन्टेंट, कि मैं आराम से बैठूं और सुनूं, जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं आराम से, क्यों, ये लीन फॉरवर्ड कॉन्टेंट है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट है, और इसीलिए मैं आपको वैल्यू दे पा रहा हूं, तो जो आपका वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 8 to 10 minutes, दैट्स इट मिनिमम, पर आप शुरुआत करने के लिए 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि कम से कम 10 मिनट का वीडियो या पॉडकास्ट होना चाहिए, कई तो घंटे के लोग देखते हैं, क्यों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द कंटेंट, 10 मिनट 15 मिनट आधे आधे घंटे की वीडियो क्रिएट कीजिए, शुरू करने के लिए आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू पब्लिश योर वीडियो फॉर फ्री, राइट, तो मैंने बताया आपको कि आपको शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म, आपको लॉन्ग फॉर्म में फोकस करना है, शुरुआत करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में एक दो रील बना सकते हो, यूट्यूब में शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, दैट्स ओके, बट लॉन्ग फॉर्म इज द फ्यूचर, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, Keep in mind, it's a marathon, not a 100-meter race.
मतलब लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं लोग, जोश जोश में आके शुरू कर देंगे, वो कैमरा मंगा लेंगे, ट्राईपॉड मंगा लेंगे, सब कुछ मंगा लेंगे, और एक हफ्ते काम करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, 4-5 क्रिएट करेंगे, फिर सो जाएंगे। नहीं, वो बता रहा है कुछ नहीं होता, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है यार। ये कोई आप समझो, लाइफ में हम 25 साल पढ़ाई करते हैं, 30 साल पढ़ाई करते हैं, कहीं जॉब मिलती है। लाइफ इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, सक्सेस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज इज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रेजिंग योर चिल्ड्रन एंड फैमिली, और बच्चे बड़े करना इज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यस और नो? सिमिलरली एक कंटेंट क्रिएशन है, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, अपनी मार्केट बिल्ड कर रहे हो, लाइफ लॉन्ग आपके पास कस्टमर चल के आएंगे, तो ये शॉर्ट टर्म गेम होना चाहिए क्या? तो हम सोचते क्यों ऐसा? इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैराथन है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है कि आपने बस जो जो उसमें 10 मिनट 10 वीडियो बना दिए फिर सो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टे कंसिस्टेंट, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, राइट लोग आपको देखेंगे और वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे और कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, डोंट थिंक कि 7 दिन में आप सुपर स्टार बन जाएंगे, ऑल्सो डोंट थिंक कि आप 7 दिन में स्मार्ट हो जाएंगे। ये मैं सोचना कि आप 7 वीडियो बना के, आप हो सकता है आप पहले से आपके अंदर क्वालिटीज हो, बट जिससे मुझे बहुत टाइम लगा, अगर आप मेरे पहले वाले जाके देखो वीडियो, तो यू कैन सी, आप इजीली जज कर पाएंगे कि मैं पहले किस तरह से कंटेंट क्रिएट करता था और अब कैसे करता हूँ, आराम से, रिलैक्स, कंफर्टेबल, अगर कहीं कुछ भी होता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यू नो व्हाई? बिकॉज मैं नेचुरल हो गया हूँ। अब ये होने में समय लगता है, राइट? अगर मुझे कोई पॉइंट भी भूल जाता है तो मैं उसको देख लेता हूँ, यू नो व्हाट? बिकॉज आई नो कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ, राइट? हालांकि मेरा गोल्ड कार्ड है इसी, अगर आप मेरे जब मेरा सिस्टम ज्वाइन करोगे कम्युनिटी, तो यहाँ पे इस तरह गोल्ड कार्ड मिलेगा जहाँ पे आपका मंथली गोल्ड कार्ड लिखवाया जाएगा, ताकि यू कैन फोकस। एनीवे, कभी आगे बताऊंगा किस तरह से करते हैं। सो कंटेंट क्रिएशन माय फ्रेंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, ये मैराथन है, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलती का नाम गाड़ी है। मेक सेंस? तो अब मैं आपको ये 7 पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, अपने माइंड को ओपन कर लीजिए, कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट वे क्लाइंट बनने का। नंबर 2, स्पेसिफिक मार्केट में चले जाइए, एक मार्केट ढूंढ लीजिए। नंबर 3, बिकम वही सुपर स्पेशलिस्ट। तीसरा, मेक अ प्रायोरिटी टू योर कमिटमेंट, मेक अ कमिटमेंट दैट यू विल क्रिएट अ कंटेंट। नंबर 4, कंटेंट इज नॉट फॉर यू, फॉर द पीपल, जिसके लिए आप कंटेंट दे रहे हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कितने स्मार्ट हो या कितने स्मार्ट नहीं हो, अंग्रेजी आती नहीं आती है, कितनी आपकी एज है, कहाँ से बिलोंग करते हो, गाँव शहर, डजन, या बैकग्राउंड कितना फ्लैशी है, ये सब कुछ नहीं चाहिए यार। इतना होना चाहिए कि खराब ना लगे, बट दैट्स ओके। ओके, हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरा ना दीवार का बैकग्राउंड ठीक नहीं है। अरे यार, पीछे वो लगा लो ना, एक वाइट शीट आती है, लगाओ, शुरू करो, शुरू तो करो भाई कहीं से, ये सब चीजें बाद में आएंगी। Make sense? Fifth point, best platform is a video and podcast, YouTube. Long form content में focus करना है। छठवां पॉइंट, सातवां, इस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। नाउ आई विल गिव द एक्शन स्टेप, आपको 3 स्टेप बता रहा हूं ताकि आप अभी से कॉन्टेंट क्रिएट करना शुरू कर पाए। नंबर 1, कम से कम 20 टॉपिक बना लीजिए। 20 टॉपिक भाई किसके ऊपर क्या कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे, तो कंटेंट किसके ऊपर क्रिएट करना चाहिए आपको? इसे अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो आपके कंटेंट मनी से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, रिटायरमेंट से रिलेटेड है, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड है, सेविंग हैबिट से रिलेटेड है। प्लस यू कैन ऑल्सो मेक सम रिलेशनशिप कंटेंट, वाई नॉट? तो यू कैन से नो हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट बाय द एज ऑफ 45, हाउ टू रिटायर रिच, हाउ टू सेव योर टैक्सेस, हाउ टू बाय बेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, हाउ टू स्टार्ट सेविंग हैबिट, कैसे सेविंग हैबिट डेवलप करते, आप इसको हिंदी बना दीजिए, ऐसे 20 टॉपिक बना लीजिए एंड दैट्स इट। और मैं, मेरा जो सिस्टम है कमांडो चैलेंज और मेरा जो डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर का सिस्टम है, मैं उसमें डीप जाता हूँ कंटेंट रिसर्च में, और आपको मैं कम से कम 100 से 200 कंटेंट क्रिएट करवाता हूँ 1 हफ्ते के अंदर, ताकि आपके पास पूरा कंटेंट बैंक हो और आप अपनी मार्केट को अच्छे से आप कवर कर पाए। वो मेरा जो कमांडो चैलेंज है, उसमें डीप जाता हूँ, आगे बताऊँ कि कैसे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इसमें डीप जाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, और वाकई आप डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं। तो नंबर 1, आप 20 टॉपिक बना लीजिए। नंबर 2, एक्शन, बिकम अ कमांडो, बिकम अ चैलेंजर। जस्ट सी, देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। एक कैटेगरी है, हाँ देखते हैं, खुजली करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, नहीं, अभी अभी तो सही नहीं, अभी अभी बस खत्म। एक कैटेगरी है, इंफॉर्मेशन मिली, रन, दैट्स इट, गेट अ बॉल एंड रन। इट मींस टॉपिक पता लगाइए, मैंने 20 बोला है, आप 30 कर लीजिए, और एक वीडियो एवरी सिंगल डे बनाइए फॉर 30 डेज। व्हाई? टू डेवलप अ हैबिट, यू हैव टू डेवलप अ हैबिट, आदत। अभी आपकी आदत कंटेंट बनाने की नहीं है,
कंज्यूम करने की है, वेरी गुड, लेकिन अब आपको कंटेंट क्रिएट करना है. इफ यू क्रिएट मोर कंटेंट देन यू कंज्यूम, यू विल बिकम रिच. बस ये सिंपल फंडा, ज्यादा क्रिएट करोगे यू विल बिकम रिच, नो डाउट अबाउट इट. ओके, सो स्टार्ट 30 डे चैलेंज. 30 दिन में आपको एक कंटेंट ग्रोथ भी करना है वीडियो फॉर्मेट में. और लास्ट पॉइंट, कीप डूइंग इट. शुरू शुरू में आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, शुरू शुरू में आप बोलोगे, फंबलिंग करोगे, रुकोगे, घबराहट होगी, पसीना आएगा, सब दुनिया, लेकिन आपको रुकना नहीं, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, रुकना नहीं है. डोंट वरी अबाउट योर इनिशियल मिस्टेक्स, डोंट वरी अबाउट इवन यू आर नर्वस. बीच में आपने कुछ सब्जेक्ट देख लिया, बीच में कुछ कुछ भी हो गया, किचन से कुकर की सीटी बज गई, वो कोई चक्कर नहीं है, चलते रहो, चलते. ये मत सोचो कि मैं तो जब पूरा स्टूडियो बना लूंगा तब मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा बनाऊंगी और मैं सुपरस्टार या सुपरस्टारनी बन जाऊंगी, भाई वो तो होगा नहीं. लेट्स फेस द रियलिटी. ठीक है, वो किसी अमिताभ बच्चन को भी सुपरस्टार बनने में कई साल लगे, चाहे अमिताभ बच्चन हो या कोई क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो या नेता हो या अभिनेता हो, सबके लिए. इवन आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको अपने इंडस्ट्री का चैलेंज बनना है, आपको इंडस्ट्री का एक मजबूत हिस्सा बनना है, तो आपको भी ये करना पड़ेगा और टाइम लगेगा. बट कितना लगेगा डिपेंड अपॉन कितने मुद्दत से आप शिद्दत से काम करते हैं. मेक सेंस? तो शुरुआत के चैलेंज को अलाउ नहीं करना, शुरुआत के फेलियर को अलाउ नहीं करना कि आपको रोक सके. यही लोग गलती करते हैं, शुरू शुरू के रिजेक्शन और जो चैलेंज होते हैं लोग वहीं पर गिव अप कर देते हैं. दिस इज द 90% कैटेगरी. बस प्लीज मेक श्योर यू स्टे द कंसिस्टेंट. पहला स्टेप गेट अ टॉपिक, सेकेंड स्टेप स्टार्ट 30-day चैलेंज, एंड थर्ड कंटिन्यू 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 बिकॉज यू आर गिविंग वैल्यू टू द पीपल. इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन. नाउ जो मैंने आपको वैल्यू दी है, आई नो इट्स वेरी गुड, प्लीज गिव मी कॉमेंट्स व्हाट यू लाइक. आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट माई कमांडो चैलेंज. ये मेरा पेड प्रोग्राम है जहां पे मैं आपको 30 डे के अंदर पूरा सेटअप कराता हूँ, कैसे आप डिजिटल सिस्टम बना सकते हैं अपना टू बिकम अ डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर, कैसे आप क्वालिटी के कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं कॉन्टेंट क्रिएट करके, वो सारा मैं डीप जाता हूँ. कैसे आप बेस्ट टॉपिक पता लगा सकते हैं और इसको टॉपिक रिसर्च जो मैं कराता हूँ, कैसे आप फियर को ओवरकम कर सकते हैं, कैमरा फियर, दुनिया भर के जो डर है फियर सब ओवरकम कर सकते हैं, और कैसे आप एक डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर ऑल ओवर इंडिया में कस्टमर बना सकते हैं. अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा आने वाला वेबिनार है, उसमें आप रजिस्टर करें फॉर फ्री, और वहां पे मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से यू कैन बिकम अ डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर. नाउ एक बार रिकैप कर देता हूं आपको क्या मैंने बताया. नंबर वन, वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट की कंटेंट क्यों क्रिएट करना चाहिए. नंबर दो, अपने माइंड को ओपन रखो. नंबर थ्री, दिस इज नॉट अ हंटिंग गेम या शॉर्ट टर्म गेम कि आपने आज कंटेंट क्रिएट किया एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट गेम. एंड देन आई गिव यू द 7 पॉइंट्स कैसे आप कंटेंट भी करना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड थ्री एक्शन, द फर्स्ट थिंग, गेट 30 टॉपिक, देन स्टार्ट डूइंग इट 30 डे वीडियो चैलेंज, एंड थर्ड कंटिन्यू द गेम. इफ यू नॉट वांट टू नो मोर अबाउट इट कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर फॉर माय अपकमिंग वेबिनार वेयर आई विल टीच यू हाउ यू कैन डू दिस एंड यू कैन जॉइन माय कमांडो चैनल डायरेक्टली. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक इट. गिव मी कमेंट इसमें क्या अच्छा लगा आपको एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू वांट टू लिसन. एंड आई एम श्योर कि मैंने जो अपना रखा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप डेफिनेटली वर्क फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट फॉर बेस्ट. टेक केयर.